हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। बट उससे पहले मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पे टू पाई क्लासेस पे मैंने 1600 के अराउंड वीडियो अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स आपको नहीं आते मैथ्स या साइंस के, आप जाके उस चैप्टर का नाम लिखिए, आगे टू पाई क्लासेस लिखिए गूगल पे, तो फोल्डर खुल के आ जाएगा उसका, और पार्ट नंबर 1 से उसको आप अच्छी तरीके से करिए। ओके, आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 बताने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करना चाहता हूँ। देखिए, रिवाइज करवाना चाहता हूँ, ये एक प्लेन ऑफ द पेपर है, सही है। अब प्लेन ऑफ द पेपर में मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, यानी कि ऐसा कंडक्टर रखा जो कि करंट कैरी कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं इस कंडक्टर को देखिए कैसे रखने जा रहा हूँ। एक बार मैं प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर रखूँगा, देखिए ऐसे, ये पहले इसमें मैं होल कर दूँ एक, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को, टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, ठीक है। या तो क्लास जो मैंने कराई है वो अच्छे से जो बच्चा करा होगा वो इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। ये देखिए, ये प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है ना। तो प्लेन ऑफ द पेपर के मैंने इसको परपेंडिकुलर रखा, देख सकते हो आप, ये प्लेन ऑफ द पेपर, थोड़ा पेपर इधर उधर हिल जा रहा है, कोई बात नहीं, ये प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर है वायर, ठीक है। और करंट नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल लगा दो। राइट हैंड थंब रूल जब लगाओगे तो ये थंब करंट की डायरेक्शन में रखोगे और चारों फिंगर्स को ऐसे करके जब घुमाओगे ना, तो इस प्लेन ऑफ द पेपर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ड्रॉ होंगी। आइए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे, ये करंट बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे हम लोग आइए ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दो तीन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब मैं इस कंडक्टर को थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है। तो कुछ देखिए ऐसे करके, ठीक है, ये मैं ऐसे था ना, थंब ऐसे था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके आएंगी। दो मैं बस आपको बना के दिखा, और भी बनेंगी यहाँ पर, दो बना के बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब कि इनके सेंटर्स क्या हैं, सेम पॉइंट पे। अब ध्यान से समझिए जरा, ये कंडक्टर है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कंडक्टर प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब अगर आप मैग्नेटिक कंपास लेके आएंगे, समझिए जरा बात को, अब देखिए मैं ब्लू मार्कर का यूज़ करूँगा। अब अगर आप मैग्नेटिक कंपास लेके आएंगे, देखिए मैग्नेटिक कंपास हमने वहाँ पर बना रखा है, इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने हमको एक डायग्राम भी दिया, अभी हम बात करेंगे। यहाँ बाहर प्लेन में, इस प्लेन में कोई पॉइंट ए दे रखा है और प्लेन में कंपास को रखा है। देखिए ये मैग्नेटिक कंपास का नीडल है जिसके पीछे एस लिखा है, मतलब साउथ, और ये जो एरो है ये नॉर्थ होगा, ठीक। तो अब जब इस प्लेन पर आप इस मैग्नेटिक कंपास को रखोगे, ठीक है ना, देखिएगा इस प्लेन पे जब आप मैग्नेटिक कंपास को रखोगे, तो ये देखिए ब्लू पेन से मैं मैग्नेटिक कंपास का सुई बना रहा हूँ। अब मैं कंडक्टर निकाल दूँ क्योंकि मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, आप समझिए, कंडक्टर तो अभी भी लगा हुआ है, आप मान लीजिएगा कंडक्टर अभी भी लगा हुआ है। इसको थोड़ा समझाना कठिन है, या तो हम लोग आपने सामने होते तो कुछ बात बनती, ठीक है। तो समझिए ज़रा क्या कि अब मैग्नेटिक कंपास को आपने इस प्लेन में रखा, ठीक है। तो आइए ज़रा मैग्नेटिक कंपास को मैं यहाँ रख देता हूँ, देखिए ये ऐसा मैग्नेटिक कंपास को रखा, तो इसकी जो निडल होगी ना, मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होगी वो ऐसे करेगी। ऐसे करने का मतलब है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अरे दिख ही नहीं रहा कैमरे में, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास हमने रखा, इसकी सुई ऐसे जाएगी। ऐसे जाने का मतलब है, समझिए जरा, अब बस मैं सुई को बनाया करूँगा, इसकी निडल को बनाया करूँगा। हमने पहले भी डिस्कस करा है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, अगर हम ये एक पॉइंट ले लें प्लेन में और इस पॉइंट पे हम बोलें कि मैग्नेटिक कंपास का निडल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, तो पता है क्या है, इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट डाल दो। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल के या किसी कर्व के, ये कर्व है, इस सर्कल का पार्ट है, किसी पॉइंट को जस्ट टच करके जाता है। तो ये टेंजेंट ऐसे करके ड्रॉ किया आपने, तो मैग्नेटिक कंपास का निडल ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब अगर आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपास को रखें, तो मैग्नेटिक कंपास का निडल अभी इधर डायरेक्शन दिखा रहा था, अब यहाँ पे एक ऐसे टेंजेंट डाली और एरो इधर ही लगाना है। इधर क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ठीक। इस पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो निडल इधर पॉइंट करेगा, यानी कि आपने क्या देखा कि मैग्नेटिक कंपास तभी डिफ्लेक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक कंपास तभी डिफ्लेक्ट कर रहा है जब मैग्नेटिक कंपास को कहाँ रखा हमने, प्लेन ऑफ द पेपर में, और वायर को कहाँ रखा हमने, करंट कैरिंग वायर को कहाँ रखा हमने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर में। फिर से सुन लीजिए, करंट कैरिंग वायर किधर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और निडल कहाँ है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कंडक्टर कहाँ है,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनी है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनी है। और इस प्लेन में यदि हम कंपास को रखें तो कंपास का निडल टेंजेंशली डिफ्लेक्ट होगा। टेंजेंशली मतलब किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक कंपास का निडल भागता हुआ नजर आएगा ऐसे। तो यानी कि डिफ्लेक्शन तभी होगा मैग्नेटिक कंपास में जब हम वायर को कैसे रखेंगे, जब हम वायर को कैसे रखेंगे, जब हम वायर को प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर रखेंगे तब डिफ्लेक्शन होगा, तब कंपास में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये आपने देखा। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें भी और डिटेलिंग हमें करनी पड़ेगी। इन्होंने क्या बोला है, अ मैग्नेटिक कंपास निडल इज प्लेस इन द प्लेन ऑफ द पेपर नियर अ पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर। मतलब ये प्लेन ऑफ द पेपर है, और ये देखिए ये प्लेन ऑफ द पेपर है, और इसमें कोई पॉइंट ए था, कोई भी पॉइंट ए, सपोज यही पॉइंट था ए, ठीक। इस पॉइंट पे इन्होंने किसको रखा, मैग्नेटिक कंपास को रखा, ठीक। इन विच प्लेन शुड अ स्ट्रेट वायर, शुड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस। कह रहा कौन से प्लेन में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को रखें सो दैट इट पासिस थ्रू ए, कि वो कहाँ से पास करे, ए से, ठीक है ना। कौन ए से पास करे, करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई बात नहीं यार, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर पॉइंट ए से पास करता तब भी क्या हो जाता, ए से पास करवा दो, अरे ए इधर ना मान के यार इधर मान लो, कोई बात नहीं, यहाँ ए मान लो, प्लेन में कहीं पे भी ए मान लो, ठीक। आगे पढ़ते हैं, एंड देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास। कह रहा है कि तार को जो करंट कैरिंग वायर है उसको प्लेन में कैसे रखें कि कंपास में डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब अभी मैंने नहीं दिया है, मैंने आपको इसका जवाब दिया। आगे पढ़िए, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द डिफ्लेक्शन मैक्सिमम एंड व्हाई, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने भी आपको दिया, इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। कह रहा द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर थ्रू ए, ये प्लेन में कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और आपको दिख रहा होगा कहाँ गया मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाना टफ है, ठीक है। इस प्लेन में करंट कैरिंग वायर, ये पॉइंट कोई पॉइंट ए है, और करंट कैरिंग वायर को जब आपने कैसे रखा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, तभी तो डिफ्लेक्शन हुआ था, पूरा मैंने डिफ्लेक्शन आपको करके दिखाया था। तो यही हमने इसका जवाब लिखा है कि डिफ्लेक्शन कब होगा, द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर थ्रू ए, जब कंडक्टर ए से जाता हुआ कैसे रखा जाए, इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। आगे इन्होंने पूछा है एंड वाई, मतलब कौन सी कंडीशन में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा और क्यों होगा, और क्यों होगा। तो उसका जवाब आगे लिखा हुआ है, एंड द फील्ड ड्यू टू इट इज मैक्सिमम इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, ये करंट कैरिंग वायर क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन ऑफ द पेपर में इस टाइम मैक्सिमम होंगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ही, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने बनाई हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत होगी, वही कंपास पे फोर्स लगाकर उसको डिफ्लेक्ट कर देगी, इसलिए प्लेन ऑफ द पेपर में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो जवाब सुनिए, डिफ्लेक्शन कंपास में तब होगा जब करंट कैरिंग वायर को प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर रखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का जवाब। आइए जरा दूसरी स्थिति लेते हैं, दूसरी का मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है कि इन विच प्लेन शुड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बी प्लेस सो दैट पासेस थ्रू ए एंड देयर इज नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन। यानी कि अब वायर को कहाँ रखें कि कोई भी डिफ्लेक्शन कंपास में ना हो। तो सुनिए जरा, मैं आपको बताता हूँ। अब ये कॉपी का मैं एक सपोर्ट लेता हूँ यहाँ पीछे, ठीक है। देखिए ये प्लेन ऑफ द पेपर है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ये प्लेन ऑफ द पेपर है, सही है। और समझिएगा जरा बात को, यहाँ पे अगर हम कंपास, तो प्लेन ऑफ द पेपर में ही रखा हुआ है, उसको आप छोड़ दो, ठीक। अगर हम वायर को भी अलोंग द प्लेन ऑफ द पेपर रख दें, ये देखिए ये वायर है और वायर को मैंने प्लेन ऑफ द पेपर में रख दिया, सही है, ये प्लेन ऑफ द पेपर में रख दिया। तो अब मैं वायर को यहाँ चिपका तो सकता नहीं हूँ, तो मैं यहाँ वायर एक बना देता हूँ, ये देखिए ये एक वायर है, वायर को उठा के इस बार प्लेन ऑफ द पेपर में रख दिया है, और ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें आई ऐसे। अब इसमें जरा राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अंगूठे को कहाँ रखोगे, करंट की डायरेक्शन में, और ये चारों उंगलियाँ ऐसे अंदर आएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, समझिए जरा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, ये ऐसे सर्कल बन के ये पीछे से निकल के आएगा और फिर ऐसे,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बन रही है, ये अंदर से छेदते हुए इसको पीछे से निकलेगा और ये सर्कल बनेगा, ये प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर, सही है। तो ध्यान लगाइए क्या होगा, ये अंगूठे को करंट की डायरेक्शन रखा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर आ रही, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुस रही होगी, सोचो जरा मैग्नेटिक फील्ड घुस रही होगी अंदर प्लेन ऑफ द पेपर में। तो इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल कहाँ आएगा, नॉर्मल आएगा प्लेन के, नॉर्मल कह रहा हूँ सॉरी, इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ड्रॉ करेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आएगी ऐसे घुसते हुए अंदर, ठीक है, और जहाँ घुस रही होगी उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ। आइए मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा सिचुएशन इसका कॉम्प्लिकेटेड है। ये प्लेन ऑफ द पेपर है, सही, और प्लेन ऑफ द पेपर में आपने वायर को ऐसे रखा हुआ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा, ये ऐसे, और यहाँ कंपास रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ थोड़ा दूरी रख देता हूँ समझने के लिए, और ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई और प्लेन ऑफ द पेपर को छेदते हुए, इसको पेनिट्रेट करते हुए पीछे से ऐसे निकल के आएगी, ठीक, राइट हैंड थंब रूल से। और इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट कहाँ आएगा, प्लेन के अंदर आएगा ऐसे, ठीक। अब सुनिए, मैग्नेटिक कंपास का निडल किसके अलोंग चलता था, टेंजेंट के अलोंग, जिधर जिधर टेंजेंट आ रही थी उधर उधर चलता था, ये देखिए जिधर जिधर टेंजेंट आ रही थी, लेकिन इस बार तो टेंजेंट कहाँ है, प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर आई है ऐसे, उसके परपेंडिकुलर आई है प्लेन ऑफ द पेपर के। तो ये जो सुई है इसको कहाँ मूव करना चाहिए, प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर, यानी कि ये सुई जिस पाइवेट पे रुकी हुई है ऐसे, ये अंदर ऐसे अंदर, पाइवेट को तो तोड़ के चली नहीं जाएगी अंदर, या सीधे शब्दों में बोलें तो ये जो सुई है वो टेंजेंट के अलोंग चलती है ना, तो टेंजेंट तो कहाँ आ रहा है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर, ठीक है, तो सुई ऐसे अंदर तो घुसेगी नहीं क्योंकि यहाँ से ये फिक्स है, ठीक। तो इस टाइम आपको कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसका क्या आंसर लिखती है। बोलती है इन द प्लेन ऑफ द पेपर इटसेल्फ, यानी कि वायर को जब आप प्लेन ऑफ द पेपर में इटसेल्फ रख दोगे तो होगा क्या, इट कुड रिजल्ट इन अ डिप ऑफ अ कंपास निडल, ऐसा होने से कंपास की सुई में निडल में डिप होना चाहिए था, यानी कि डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, हम सोच के चल रहे थे कि होगा क्योंकि करंट कैरिंग वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है और फिर उस फील्ड में कंपास को रखा गया है तो कंपास को डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। आगे पढ़िए, ब्रैकेट में लिखा है डिप का मतलब हिल जाना, डिफ्लेक्शन होना, ऐसे समझो आप। डिप रिजल्ट्स ओनली इफ द एक्सेस ऑफ कंपास इज हॉरिजॉन्टल, डिप रिजल्ट्स ओनली इफ द एक्सेस ऑफ द कंपास इज हॉरिजॉन्टल, कुछ ज्यादा ही इन्होंने टेक्निकल लिख दिया, ठीक है। डिप ऑफ द कंपास इज ओनली इफ द एक्सेस ऑफ कंपास इज हॉरिजॉन्टल, इसका क्या मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पिछले डायग्राम में आइए, डिप तभी होगा जब एक्सेस ऑफ द कंपास कैसा हो, हॉरिजॉन्टल हो, किसके हॉरिजॉन्टल हो, वायर के, यानी कि वायर के पैरेलल हो, समझो जरा इस डायग्राम को। अगर मैं एक्सेस ऑफ द कंपास बनाऊं तो एक्सेस ऑफ द कंपास क्या होती है, देखो सुई जिस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है ऐसे, ये सुई ऐसे ऐसे, तो इसकी एक्सेस ऐसे आएगी परपेंडिकुलर, यानी कि सुई की एक्सेस भी ऐसे है और तार भी ऐसे है, तो तार ऐसे परपेंडिकुलर तो प्लेन है और सुई की एक्सेस भी परपेंडिकुलर प्लेन है, तो कंपास की जो एक्सेस होगी अगर वो तार के पैरेलल होगी तभी आपको डिप नज़र आएगा, यानी कि डिफ्लेक्शन नज़र आएगा। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है नहीं समझ आ रहा है, इसको इग्नोर करो। अब सिंपल सा आपने मोटी मोटी बात ये समझी कि अगर वायर को कहाँ रख दें, प्लेन ऑफ द पेपर में, तो डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। कंडीशन मैंने आपको बताई क्यों, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो प्लेन के अंदर आएगा, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होता है उसी डायरेक्शन में निडल क्या करती है, निडल का जो नॉर्थ, निडल का ये जो एरो होता है वो मूव करता है, ठीक। और दूसरी कंडीशन में अगर वायर को प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर रखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी प्लेन में बनेंगी और कंपास भी इसी प्लेन में रखा है, तो इसकी जो सुई होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे डाले गए टेंजेंट के अलोंग चलेगी, ठीक। तो ये दो आंसर है, आशा करता हूँ मैंने ठीक से समझा पाया हूँ, प्लीज़ इसको नोट कर लें और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया है तो भाई आप जाओ मेरे चैनल पे, चैप्टर को अच्छे से आपको करना पड़ेगा, तब क्या बात मैंने करी है आपको समझ में आएगा। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चलिए स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14।